लेट्स चेक दिस सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें गिवन है ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल्स टू सी रेज टू पावर जेड, और ए बी सी इनका जो प्रोडक्ट है दैट्स गिवन एज वन। यूजिंग दिस डाटा वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लेट्स चेक द सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बाई एज्यूमिंग कि ये जो a रेज टू पावर x है, b रेज टू पावर y एंड c रेज टू पावर z है, दिस वैल्यूज आर इक्वल टू k। क्योंकि ये k के इक्वल है दैट मीन्स a रेज टू पावर x जो है वो k के इक्वल है। एंड वी नो अगर a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू b, देन a इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर 1 बाय n। तो ये जो यहाँ पर हमारे पास पावर है, दिस पावर x व्हेन इट गोज ऑन द अदर साइड इट बिकम्स 1 बाय एक्स। तो सेम लॉजिक विल यूज फॉर बी रेज टू पावर वाई विच इज इक्वल टू के। सो विल से बी रेज टू पावर वाई बिकॉज इट्स इक्वल टू के, दस बी की जो वैल्यू है दैट इज के रेज टू पावर 1 अपॉन वाई। सेम वे सी रेज टू पावर जेड इज के, एंड दस सी इज के रेज टू पावर 1 बाय जेड। अब यहाँ पर हमारे पास ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू आ चुकी हैं। सो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में डाल सकते हैं, जहाँ पर हमें गिवन है ए बी सी जो है वो 1 के इक्वल है। तो ए बी सी एज सच इन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे ए बी सी, तो वो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। एल एच एस में हम ए बी सी की वैल्यू जो है जो क्वेश्चन में 1 गिवन है उससे रिप्लेस करेंगे। आर एच एस अगर आप आर एच एस में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बेस जो है वो इक्वल है, दैट इज बेस इज के। एंड वी नो अगर बेस सेम होता है तो जो हमारी पावर है दे गेट एडिड अप। तो आर एच एस विल बिकम के रेज टू पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। नाउ वी नो 1 जो है किसी भी नंबर एक्सेप्ट 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होती है, सॉरी पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम 1 को जो है हम रिप्लेस कर देते हैं k रेज टू पावर 0 से, एंड आर एच एस दैट्स k रेज टू पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्योंकि बेसिस सेम है और हमें पता है इक्वेशन में अगर बेसिस इक्वल होते हैं सो फॉर इक्वेशन टू बी वैलिड पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इज 0। तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शंस हैं इसको सॉल्व करेंगे, हम एलसीएम डिनोमिनेटर में लेंगे एक्स वाई जेड, एंड न्यूमरेटर विल बिकम वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। एंड फॉर दिस नंबर टू बी जीरो, ये नंबर कब जीरो के इक्वल होगा, जब आपका न्यूमरेटर जीरो होगा, एंड न्यूमरेटर इज नथिंग बट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स विच इज कमिंग एज जीरो। एंड दिस इज वट वी हैड टू फाइंड एंड दैट्स आर आंसर।